एक ओर जहां सरकार द्वारा गरीब लोगों के लिए मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाकर बेरोजगारों को मनरेगा के तहत काम देकर कोरोना काल के दौरान हर संभव मदद की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ पंचायत के प्रधानों द्वारा गरीब परिवारों के बजाय उच्च श्रेणी के लोगों को बीपीएल में शामिल कर उन्हें मुफ्त में राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत चलने वाले कामों को भी ठेके पर करवाया जा रहा है, जिसको लेकर फरनौल गांव के लोगों ने उपायुक्त हरकेश मीणा को ज्ञापन पत्र देकर बाड़ी फरनौल पंचायत के प्रतिनिधियों की जांच करवाने की मांग की है। फरनौल गांव के निवासी पवन कुमार ने बताया कि मनरेगा के तहत जो मस्ट्रोल चला हुआ था वह बीच में ही खत्म हो गया और हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि किसकी हाजिरी इसमें लगी है और किसकी नहीं। पवन कुमार ने कहा कि वे पिछले 3 सालों से बीमार थे। उन्होंने कहा कि उच्च श्रेणी के लोगों को पंचायत द्वारा बीपीएल में शामिल कर उन्हें मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसकी जांच होनी चाहिए। मेरे को 3 साल हो गए पैरालाइज हुए हुए, मेरी बाई साइड एकदम काम नहीं करती थी, मगर अभी मैंने पंजाब उधर 5 प्लस से दवाई लेके आया तो अभी कुछ फर्क है, अभी चल रहा हूँ, अभी चलने फिरने लगा हूँ, अब काम करने भी लगा हूँ। और सर मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि जो फरनौल पंचायत तलाई की वो है इंक्वायरी वो की जाए, क्योंकि उसमें इस इंस्टॉल में जो अभी बंद हुआ है बोले पैसे खत्म हो गए, तो 2 दिन पहले इंस्टॉल खत्म कर दिया, और इनको बताना चाहिए कि कितने कितने आदमी लगे हैं, कितने नहीं लगे हैं, किस किससे साइन करवाए हैं, किससे नहीं साइन करवाए, अपनी मर्जी से साइन कर देते और इंस्टॉल भेज देते, हमारे को कोई पता नहीं है कि कब साइन हुए हैं कब नहीं। अभी हमारे को सब फोन कर रहे हैं कि आ जाओ वापस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अभी हम जी इंक्वायरी चाहते हैं कि 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक जितने भी मनरेगा के तहत काम हुए हैं उनकी इंक्वायरी की जाए, और जो राशन में डाले हुए हैं अच्छे अच्छे घर वालों अच्छे अच्छे घर के आदमी हैं वो राशन में डाले हुए हैं उनकी इंक्वायरी की जाए कि वो कैसे डाले हुए हैं। जो गरीब आदमी है उनके ऊपर कोई नहीं सुन रहा है, सबकी इनकी मिली भगत है आपस में। किसके ऊपर शक है जी आपको? पूरी पंचायत के ऊपर शक है। फरनौल गांव की रीना देवी ने कहा कि उच्च श्रेणी के लोगों को बीपीएल में शामिल कर उन्हें मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि गरीब लोगों को बीपीएल में शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत होने वाले कामों को ठेके पर करवाया जा रहा है और जो काम मनरेगा के तहत लगे हैं उनमें भी उन्हें कोई काम नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने पंचायत के सभी प्रतिनिधियों की जाँच करवाने की मांग उपायुक्त से की है। सर मैं इंक्वायरी कराना चाहती हूँ, अच्छे अच्छे करके राशन में डाले हैं और बीपीएल में सब कार्ड दिए हैं, और जो गरीब लोग हैं वो राशन में नहीं डाले हुए हैं उनकी इंक्वायरी की जाए, और जो मनरेगा में काम करते हैं उसका काम उनकी इंक्वायरी की जाए। सब काम जो है रस्ते के वो ठेके पे दिए जा रहे हैं, और जो काम लगे हैं वो उनको मना कर रहे हैं हमारे काम नहीं दे रहे हैं, इनकी 1 बार से 5 बार तक पूरी इंक्वायरी की जाए काम। ये सर हमारे को पता नहीं था राशन का, अभी राशन मिल रहा है तो हमारे को तब पता चला कि ये राशन में डाले गए हैं, हमारे को ये भी पता नहीं था कि ये राशन में डाले गए हैं, किसी को भी नहीं पता था। बीपीएल मुक्त कर दी इन्होंने, पीछे से अलाउड ही नहीं था बीपीएल मुक्त कर दी। हाँ जी, तो हम चाहते हैं कि इनकी इंक्वायरी हो, सभी जो राशन में डाले हैं उनकी सभी की इंक्वायरी की जाए।